हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरीडे स्टडी में। तो लास्ट टाइम जो है हमने यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 0 जो कि बेसिक एक्सरसाइज थी वहाँ यहाँ पर सॉल्व की थी टेबल टेस्ट की, और आज हम यहाँ पर उपकार के बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आप एक बार यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर जो है चेक कर लीजिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में मिला लीजिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिखा गया है, राइट डाउन द लेटर्स ऑफ कॉलम 2 एंड कॉलम 4। तो यहाँ पर सॉरी गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कॉलम 2 और कॉलम 4 के जो लेटर्स हैं उनको यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और बाद में उसको यहाँ पर एक्सचेंज करना है। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब भी यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि जहाँ पर हमको रिवर्स करना हो और एक्सचेंज करना हो, तो वो हम उसको पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पीछे का जो चीज़ हमको यहाँ पर पहले सॉल्व करनी है और उसके बाद में यहाँ पर आगे की चीज़ सॉल्व करनी है। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है पिक द लास्ट लेटर ऑफ रो 5। तो हमको रो 5 का जो लास्ट लेटर है मतलब कि यहाँ पर ये रहा ई, उसको यहाँ पर पिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है मूव अप टू द टॉप, तो हमको यहाँ पर जो है टॉप तक जाना है मतलब कि बी तक जाना है। उसके बाद में कहा गया है मूव द थर्ड लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पर हमको बी से यहाँ पर थर्ड लेफ्ट मतलब कि 1 2 और यहाँ पर तीसरा लेटर जो है यहाँ पर ए, ये होगा यहाँ पर थर्ड लेफ्ट। तो यहाँ थर्ड लेफ्ट, तो हमारा ये लेटर जो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर कहा है व्हाट इज द लास्ट लेटर, तो एक्चुअली में हमारा आंसर जो है वो ये नहीं होगा क्योंकि हमने जो है वो पहली कंडीशन को वो नहीं किया है। यहाँ पर बोला गया था पहले कि कॉलम 2 और कॉलम 4 जो है उनको पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि अगर हम कॉलम 2 और कॉलम 4 जो है उसको यहाँ पर दोनों को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो आपको पता है कि हमेशा फर्स्ट वाले से यहाँ पर फिफ्थ वाला जो है वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर एक्सचेंज होता है, और सेकेंड वाला जो होता है उससे हमेशा यहाँ पर जो होता है फोर्थ वाला जो होता है यहाँ पर एक्सचेंज होता है, और थर्ड को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले से सीधा फिफ्थ वाला जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिवर्स करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इधर ही रिवर्स हो जाएगा और ये लेटर जो है वो यहाँ पर इसके साथ में रिवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा बी होगा सिंपली यहाँ पर रिवर्स करने पर, और यहाँ पर जो है हमारा डी होगा, और यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा, और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद में हमें एक्सचेंज करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ से ये वाला लेटर जो है वो यहाँ पर इसके साथ में एक्सचेंज होगा, मतलब हमारा बी जो है वो सिंपली इस जगह पे आ जाएगा और ये ए जो है वो सिंपली यहाँ पर इस जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी जो है वो इधर आ जाएगा। तो हमारे को यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो लेटर है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये जो है वो ए नहीं होगा, यहाँ पर हमारा बी जो है वो यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा बी। यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कहा गया है, सॉरी, तो सेकंड जो यहाँ पर कहा गया है द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी द लेटर विच इज थर्ड लेफ्ट ऑफ द लेटर अबो द लेटर विच इज डायगोनली थर्ड लेफ्ट लेटर ऑफ बॉटम ऑफ द लेटर 4 ऑफ कॉलम 4। तो हमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर गाइस हमेशा हमको जो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको हमेशा जो लास्ट में लिखा गया है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन चालू करना है। टेबल टेस्ट के कोई भी क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़े, और हमको यहाँ पर जहाँ भी लगता है कि क्वेश्चन जो यहाँ पर लास्ट से शुरू करना है तो यहाँ पर लास्ट से शुरू करना होगा। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा यहाँ पर फ्रेंड्स हमको लास्ट में शुरू करना होता है। तो यहाँ पर कॉलम 4 का जो बॉटम लेटर बोला गया है लास्ट में, तो कॉलम 4 के बॉटम लेटर मतलब हम बी पर आ जाते हैं। वहाँ से बोला है कि उसके लेफ्ट का जो लास्ट लेटर था लास्ट लेटर, तो यहाँ पर लेफ्ट में इसके लेफ्ट में जो लास्ट लेटर है वो हमारा सी होगा। उसके डायगोनल में थर्ड लेफ्ट बोला गया था, तो यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड, और यहाँ पर ये जो है हमारा थर्ड लेटर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर के लेटर की बात करी गई है अबो लेटर, तो यहाँ पर इसके ऊपर वाला लेटर जो है वो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, और इस बी लेटर के थर्ड लेफ्ट में कौन सा लेटर होगा, तो हमारा 1 2 और यहाँ पर ये तीसरा लेटर जो है हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर गाइस जो है वो यहाँ पर हमारा ई आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, तो थर्ड में हमारा बोल रहा है कि राइट डाउन द लेटर्स ऑफ ऑल 4 डायगोनल इन द रिवर्स ऑर्डर। तो गाइस याद रखना कि जब भी हमारे को यहाँ पर 4 डायगोनल जो है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए कहा गया हो, तो हमारे टेबल के अंदर किसी भी लेटर में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। गाइस ध्यान से सुनना कि अगर हम सारे डायगोनल्स को यहाँ पर रिवर्स करने के लिए बोला गया हो तो हमारे सारे डायगोनल सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं द लेटर वुड बी द आंसर विच इज 4th लेटर डायगोनली ऑफ द लेटर बिलो द फर्स्ट लेटर ऑफ कॉलम 2। तो हमें यहाँ पर भी लास्ट वाला जो है वहाँ से शुरुआत करनी है, लास्ट वाला जो है वहाँ से शुरुआत करनी होगी गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट लेटर ऑफ कॉलम 2, कॉलम 2 का फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कॉलम 2 का फर्स्ट लेटर जो है वो ये है। उसके नीचे वाले लेटर की बात करी गई है तो वो ई है, और वहाँ से हमें बोला गया है कि फोर्थ लेटर डायगोनली, मतलब कि यहाँ पर इसके डायगोनल में ये जो है वो थर्ड लेटर होगा, एक्चुअली में फोर्थ ही होगा। इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मिस्टेक दी हुई है, और इसके आंसर जो है इसके अंदर भी मिस्टेक है। तो गाइस यहाँ पर आंसर जो है वो ई आना चाहिए यहाँ पर, जबकि बुक में जो है वो बी आंसर दिया गया है, तो वो गलत आंसर है। यहाँ पर ई आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहा गया है मूव अप टू द बॉटम लेटर ऑफ कॉलम 1, तो हमें कॉलम 1 जो है उसके बॉटम लेटर तक आना है। तो इसका कॉलम 1 जो है यहाँ पर इसका बॉटम लेटर सी हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया है राइट टॉप ऑफ द कॉलम 2, यहाँ पर हमें राइट लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर हमें ऊपर तक जाना है।
उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है राइट बॉटम ऑफ कॉलम थ्री, तो हमें यहाँ पर राइट लेना है और उसके बाद में कॉलम थ्री के बॉटम तक आना है। तो यहाँ पर हम गए सी तक आ गए हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि एंड बाय द सेम वे यहाँ पर कॉलम फाइव तक आना है, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से वापस टॉप पे जाएंगे, उसके बाद वापस से हम यहाँ पर राइट लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर बॉटम तक आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर गाइस अगर बात करते हैं तो हमें कहा गया है कि नाउ व्हाट इज द लेटर विच हैज द फोर टाइम्स फ्रीक्वेंसी इन द अकरेंस। तो यहाँ पर गाइस हमें चेक करना है कि सबसे पहले जो है चार बार कौन सा लेटर आया था। तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ से फिर टर्न लिया था और यहाँ से फिर ऊपर गए थे, फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमने यहाँ से राइट लिया था और उसके बाद में हम यहाँ से नीचे आए थे। तो गाइस हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा ई जो लेटर है वो यहाँ पर एक बार, उसके बाद में यहाँ पर दो बार, उसके बाद में यहाँ पर तीन बार और यहाँ पर चार, मतलब कि यहाँ पर पूरा हो रहा है। उसके बाद में अगर देखते हैं हम बी, तो बी जो है हमारा एक, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ से हम तीसरी बार और यहाँ पर जो है चौथी बार। मतलब आप अगर देखते हैं इसके अंदर आपको खुद को चेक करना होगा कि आप यहाँ से बी देखिए, ए देखिए, सी देखिए और ई देखिए, तो यहाँ पर आपका कौन सा लेटर जो है जो सबसे पहले चार बार पूरा कर ले रहा है अपना। तो यहाँ पर ये जो बी है वो यहाँ पर पूरा कर ले रहा है चार बार, उससे पहले यहाँ पर कोई भी लेटर जो अपना चार पूरा नहीं करेगा। जैसे ए की बात करें तो एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा जो है वो यहाँ पर है। इसका मतलब कि हमारा बी जो है सबसे पहले चार पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा गाइस, वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो, यहाँ पर हो गया हमारा आंसर जो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का, यहाँ पर कह रहा है व्हाट वुड बी द फोर्थ लेटर ऑफ रो फाइव ऑन म्यूचुअली एक्सचेंजिंग द डायगोनल्स ऑफ रो वन एंड कॉलम फाइव। तो मैंने फ्रेंड्स आपसे पहले भी कहा है कि हमेशा आपको जो एक्सचेंज करना है वो पहले यहाँ पर देख लेना है कि हमें पहले हमेशा हमें पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद में ही हमें सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर गाइस देखते को आपको कहा गया है कि म्यूचुअली एक्सचेंज डायगोनल रो वन एंड रो फाइव। तो रो वन जो है उसकी डायगोनल जो है हमारी वो ये वाली होगी और रो फाइव जो है उसकी हमारी जो डायगोनल होगी वो ये वाली होगी। और हमें कहा गया है कि व्हाट इज द फोर्थ लेटर ऑफ रो फाइव, मतलब कि रो फाइव का फोर्थ लेटर यहाँ पर कौन सा होगा। तो गाइस अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज भी कर देते हैं डायगोनल्स को, तो आप देखेंगे कि ये जो बी है इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, मतलब कि हमारे यहाँ पर जो आंसर होगा गाइस वो यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द लेटर विच हैज कम इन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ रो एंड कॉलम एंड इट इज द लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट टू। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि बिगनिंग लेटर हमारा ई था और एंडिंग लेटर भी जो है वो हमारा ई है, तो यहाँ पर आंसर भी जो है वो यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें गाइस यहाँ पर कहा गया होता कि अगर यहाँ पर इस लेटर की जगह पर यहाँ पर बी होता और यहाँ पर ई दिया होता और हमें कहा होता कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है वो कौन सा होगा अल्फाबेट से, तो आप जानते हैं कि बी और ई में फर्स्ट जो है अल्फाबेट में वो आता है हमारा बी, तो यहाँ पर बी जो है वो आंसर हो जाता। ठीक है, बट इस केस के अंदर हमारा जो है आंसर वो यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस बढ़ते हैं। यहाँ पर सेवन नंबर के क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग राइट थर्ड ऑफ रो वन, रो वन का राइट से थर्ड लेटर जो है हमें यहाँ पर उठाना है, तो रो वन का थर्ड लेटर जो है वो हमारा यहाँ पर बी होगा। राइट से थर्ड बोला गया है, अगर राइट के बी से थर्ड बोला गया होता रो वन के तो गाइस हमारे यहाँ पर ए हो जाता, पर हमें राइट से थर्ड बोला गया है, मतलब हमारा आंसर जो है यहाँ पर थर्ड लेटर जो है वो यहाँ पर बी होगा। उसके बाद में कहा गया है मूव डाउन दी सेकंड, तो हमें सेकंड लेटर पर आना है, तो यहाँ से हम सेकंड आएंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड लेटर यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया है मूव द राइट सेकंड, मतलब राइट के सेकंड में मतलब फर्स्ट लेटर ये होगा और इसके राइट के सेकंड में डी आएगा। उसके बाद में हमें कहा गया है एंड रीच अप टू द बिगनिंग, अब यहाँ पर जिस रास्ते से हम आए थे इस रास्ते से इधर गए थे तो उसी रास्ते पर हमको जो है यहाँ पर बैक जाना है और यहाँ पर बैक आना इस तरह से और इस तरह से हम इधर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते पर हमको वापस जाना है। तो गाइस हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज द लेटर इन द मिडल ऑफ फर्स्ट बी एंड सेकंड ई, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बी और सेकंड ई के बीच में कौन सा आएगा। तो हमने यहाँ पर गाइस शुरुआत की थी, मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से शुरुआत की थी बी से, तो सबसे पहले जो है हमको यहाँ पर बी मिला था, उसके बाद में यहाँ पर आया था डी, उसके बाद में यहाँ पर आया था ए, उसके बाद में यहाँ पर ई आया था, उसके बाद में यहाँ पर डी आया था और नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा ई आएगा क्योंकि यहाँ से हम रिवर्स लेंगे। तो हमें कहा गया था गाइस यहाँ पर फर्स्ट बी एंड सेकेंड ई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में बी यहाँ पर ये आया था और फर्स्ट ई जो है ये रहा और सेकेंड यहाँ पर ई जो है हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसके मिडल का लेटर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के मिडल में यहाँ पर ई आएगा, तो इस गाइस यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे यहाँ पर ई आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक नंबर में कहा गया है पिक द राइट थर्ड सी ऑफ रो फाइव, तो रो जो फाइव है वहां से राइट से हमें थर्ड सी जो है वो उठाना है। तो ये हमारा रो फाइव था, यहाँ पर ये जो हमारी रो फाइव थी ये वाली, तो यहाँ से अपने को राइट से थर्ड लेटर जो है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब कि ये सी को उठाना है।
मूव अप सेकेंड मतलब यहाँ पर एक और ये दूसरा लेटर यहाँ पर ऊपर जाना है, उसके बाद में मूव राइट कहा गया है मतलब हमें एक ही स्टेप चलना है, तो यहाँ पर ई पे आना है, उसके बाद में कहा गया है मूव द लेफ्ट मोस्ट, सॉरी मूव अप कहा गया है, तो मूव अप मतलब हमें यहाँ से इससे ऊपर एक स्टेप आना है, तो हम यहाँ पर बी पे आ गए, वहां से कहा गया है मूव द लेफ्ट मोस्ट मतलब कि हमें लेफ्ट के मोस्ट में मतलब यहाँ पर बी पे आ जाना है, यहाँ से लेफ्ट का मोस्ट मतलब बी होगा, उसके बाद में कहा गया है मूव अप मतलब कि हमें ई पर आना है, और नेक्स्ट कहा गया है मूव अप टू द डायगोनल फोर्थ लेटर मतलब कि यहाँ पर इसके डायगोनल फोर्थ मतलब फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड लेटर जो हमारा ए हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर सी हो जाएगा, एंड नेक्स्ट जो फोर्थ लेटर है वो हमारा यहाँ पर ई आ जाएगा, तो हमारा ई जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा गाइस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है 9th में कि पिक द लास्ट लेटर ऑफ रो वन, तो रो वन का राइट से हमें लास्ट लेटर पिक करना है, मतलब कि रो वन का जो राइट से यहाँ पर ये राइट होगी इसकी, और यहाँ से हम अगर फर्स्ट लास्ट लेटर लेते हैं मतलब कि ई होगा, अब यहाँ पर ई से हमें मूव डाउन मतलब कि एक स्टेप नीचे उतरना है, इस बी पर आना है, मूव डायगोनली सेकेंड मतलब कि यहाँ से अगर हम डायगोनल में चलते हैं तो एक और ये दो ई तक आ जाएंगे हम सेकेंड लेटर तक, मूव राइट मतलब कि हमें यहाँ से अब राइट लेना है मतलब एक ही स्टेप चलना है, तो हम यहाँ से सी पे आ जाएंगे राइट में, मूव डाउन मतलब कि यहाँ से अब हमें नीचे आना है तो हम यहाँ पर बी पर आ जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है मूव राइट मतलब कि यहाँ से अब एक लेटर राइट मतलब यहाँ पर हमें ई पे आना है, अब कहा गया है मूव डाउन मूव अप टू डायगोनल ली थर्ड मतलब कि यहाँ से हमें थर्ड डायगोनल पर पहुंच डायगोनल में थर्ड तक जाना है, मतलब कि यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो ये होगा हमारा फर्स्ट सी, दूसरा हमारा ए होगा, और तीसरा जो है हमारा ई आंसर आएगा, तो इसका जिस क्वेश्चन का जो आंसर गाइस होगा वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तो नेक्स्ट में कहा गया है इफ बी इज मोर क्लोजर देन ए, अगर यहाँ पर बी जो लेटर है वो ए से ज्यादा क्लोजर है रो टू में, तो हम देखते हैं गाइस रो टू हमारी ये रही, और यहाँ पर ए यहाँ पर है और बी जो है वो यहाँ पर, इसका मतलब कि बी जो है वो ए से ज्यादा क्लोजर पड़ता है अगर हम यहाँ से चालू करते हैं। याद रखना गाइस इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर हम आठों सेट को मिक्स करते हैं सेट एक तक, तो यहाँ पर ऐसे जो छः से सात क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, तो गाइस उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि बी जो है वो ए के क्लोजर है, मतलब हमें जिस रो में बात की गई है उस रो को देखना है और वहाँ पर स्टार्ट करना है, अगर वो स्टार्टिंग में वो लेटर आ जाता है पहले दोनों लेटर की कंपेरिजन में, कौन सा लेटर पहले आ रहा है, यहाँ पर बी जो है वो पहले आ रहा है और वही कहा गया है, तो अगर ये आ रहा है तो हमें कहा गया है कि विच इज नॉट इन द रो, वो हमारा आंसर होगा, तो इस रो में जो लेटर नहीं है, तो आप देख सकते हैं ए है बी है डी है और ई है, मतलब इस रो के अंदर हमारा सी जो लेटर है वो मिसिंग है, मतलब हमारा आंसर जो है गाइस वो यहाँ पर सी हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन नहीं होती, अगर हमारा ए जो है वो यहाँ पर आ गया होता आगे होता और बी जो है हमारा यहाँ पर पीछे होता, तो गाइस हमारा लेटर आंसर जो होता वो यहाँ पर अदरवाइज की जो कंडीशन है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता, कि जिस लेटर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस रो में, तो उस रो में हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, तो बी लेटर जो है एक बार और दो बार यहाँ पर दो बार फ्रीक्वेंसी दी, तो हमारा आंसर जो होता वो बी हो जाता, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर जो होगा गाइस वो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।